बीजेपी जेजेपी गठबंधन की लगभग 70,000 वोट थी और इस बार और ज़्यादा वोट बढ़ेंगे जो मेरा मानना है। एक साल हमने लोगों के बीच में हमने काम किया है और मेरा मानना है कि 20-25 या 30,000 से यहाँ पे कमल खिलेगा, गठबंधन जीतेगा। जो घोषणा हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी घोषणा हुई है, IMT घोषणा हुई है, कॉलेजों की घोषणा हुई है, क्या ये कार्य पूरे होंगे? आपको लगता है कार्य पूरे होंगे? आप लोगों को विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, विश्वास दिलाएंगे और ये पूरा भी करेंगे। जो घोषणाएं वो सारी घोषणाएं सच्ची हैं, कोई भी घोषणा झूठी नहीं है। दो कॉलेज दो आए हैं, उनमें क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलग ये जो जनता वोट आना है, इसकी जो भी कागज कार्रवाई हो जल्दी पूरी होगी, इसके जितने भी चीज़ें हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी घोषणा हुई है पूरी होंगी, कोई भी झूठी घोषणा हमारी नहीं है। योगेश्वर जी, कल भूपेंद्र हुड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि कैंडिडेट कांग्रेस का जो है वो कमज़ोर बताया जा रहा है, तो योगेश्वर के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा योगेश्वर अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, नेता नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भविष्य गर्भ में है कि कौन अच्छा होता है। आज तो मैं अच्छा हूँ, उनके कैंडिडेट के बारे में भी आप मेरे को भी देख, दोनों की तुलना आप लोग कर सकते हो और ये आने वाला टाइम बताएगा। और यहाँ तक जो हमने कोशिश किया, जो काम करवाए हैं, चाहे वो डीप ट्यूबवेल की बात हो, चाहे वो नहरी पानी पहुँचाने की बात हो, चाहे वो गाँव की और समस्या की बात हो, हमने यहाँ की आवाज़ बने, हम यहाँ की आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई है, वो चीज़ें यहाँ पे हुए हैं। और मैं यहाँ नेता बनने नहीं, यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, यहाँ की समस्याओं के हल करने के लिए आऊँगी, इनकी आवाज़ बढ़ने आया हूँ। नेता बढ़ने का शौक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, उन कुर्सी उनको प्यारी है, दीपेंद्र हुड्डा को वे चीज़ें प्यारी है, मेरे को नहीं। मेरे को चाहिए कि यहाँ की समस्या दूर हो और इनका समस्याओं को दूर करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। मेरा काम है बस सेवा करना, मेरे को ये साबित नहीं करना कि मेरे को बड़ा नेता बनना है या छोटा बनना है, बस यहाँ की समस्याएं दूर हो जाए, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, आपने पिछले जितना भी समय मिला कैंपेनिंग का, उससे उत्साह से क्या नजर आ रहा है? देखिए, लोगों में उत्साह, लोगों ने एक बार मन बना रखा है इस बार कि भाई ये विकास के नाम पे वोट होगा। लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दे लिया, चौधरी के नाम पे वोट दे लिया और मतलब बहकावे में आ लिया। इस बार ये है कि गठबंधन की सरकार और अपने काम कराने विरोधी दल का विकास कराना है। 10 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, इतनी चीज़ें अभी यहाँ पे आई हैं, इसलिए लोगों ने ये चीज़ तय कर लिया है कि इस बार यहाँ से गठबंधन जीतेगा और कमल खिलेगा। मित्रों, योगेश्वर जी को प्रचार में जाना, आज प्रचार का आखिरी दिन है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक एक सवाल है कि बुझ जाओ गणा। देखिए, किसी गरीब को अगर कुछ मदद पहुंचा रहे हैं तो उनका दिक्कत उनको यही है, उनको 3 अध्यादेश से दिक्कत हुई कि किसानों को फायदा पहुंचा दिया इसने, भारतीय जनता पार्टी ने, जेजेपी इसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको दिक्कत हुई। अगर अब सिलेंडरों की बात आती है, अब दिक्कत हुई, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, उनको कोई फायदा ना पहुंचे, वो यहाँ पे तरक्की होना देखना नहीं चाहते। भाई साहब, बात करें यहाँ पर विकास की, हल्का बड़ौदा विकास मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो राजनेता वो जातिगत राजनीति करते, विकास नहीं होता इस हल्के का और यहाँ पे किसान इतना टॉर्चर किया जा रहा है किसान। देखिए, जो यहाँ पे जाति की राजनीति करते हैं उनका समय खत्म हो चुका है, यहाँ पे अब विकास की राजनीति होगी, यहाँ पे जो काम करने वाले होंगे वो आगे आएंगे और उन्हीं को यहाँ पे महत्व तो दिया जाएगा जो बड़ौदे के लिए काम करेंगे। सर, SABC का जो आरक्षण दिया हुआ है उसको लेकर, तोड़ने को लेकर आपका लगातार एक ट्वीट वायरल हो रहा है, उसको खत्म करने को लेकर आप उसके कितने सहमत हैं? मैं उसके बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा एक मानना है कि आरक्षण मिलना चाहिए, जो आज गरीब दलित पिछड़े हुए हैं। सर, आप सहमत हो तो आपने ट्वीट क्यों कर रखा है? वो ट्वीट मैंने किया था जिनको उसकी जरूरत है, उसको आज भी आरक्षण नहीं मिलता। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, हमारे दलित भाई पिछड़े आरक्षण नहीं मिलता। आप जाके देखिए उनको, जिनको जरूरत है, जिनकी 2 वक्त की रोजी रोटी मुश्किल चलती है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आज भी उसी बात पे खड़ा हूँ। और एक बार पूरी बात पूरी होने दीजिए बहन जी, 2018 में मैंने ट्वीट किया था, तब वो नेता कहाँ थे, जब क्यों नहीं बोले उस बात पे, वो आज उनको उठा के ले गए। पर मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए और जिसको नहीं जरूरत है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सर, जिस तरह से आर्थिक आधार पर बोल रहे हो, आर्थिक आधार पर तो BPL कार्ड भी मिले हुए, क्या वो सही जगह पहुंचे हुए हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि हर जरूरतमंद तक वो चीजें पहुंचे, अगर व्यवस्था में सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधार करना चाहिए और हमारी यही कोशिश रहेगी
भ्रष्टाचार दूर करने की, विकास करने की, गरीब मजदूरों तक सुविधा पहुंचने की, चाहे बीपीएल की बात हो चाहे आरक्षण की बात हो, हम उसके लिए हमेशा अड़े रहेंगे और उनका दिलवा के रहेंगे। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे, आज अंतिम प्रचार का दिन है, केवल 2 घंटे बाकी हैं, आप देख सकते हो, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर आप उनको जाने दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर।